हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 शिक्षा यानी कि एजुकेशन डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स मानव अधिगम और संज्ञान को समझना। तो हम अभी तक जो है लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 4 की वीडियोस यहां पर देख चुके हैं। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 3, और मैं आपको यहां पर जो है वीडियोस के जो है पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं बनाऊंगा, बल्कि आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है पूरा लेसन एक ही वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आपका 8 तारीख को है। तो आज ही ये सारी चीज़ें जल्दी से हमें कवर करनी है। तो अब वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं देरी ना करते हुए। तो आज की जो वीडियो होगी वो आपकी होगी, जिसके अंदर हम जो है पूरा का पूरा एक लेसन नंबर जो 3 है वो आपका कंप्लीट करेंगे यूनिट नंबर 1 का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सामाजिक सांस्कृतिक कारक और बच्चों के चिंतन और सीखने की प्रक्रिया पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो अभी आपने ऊपर देखा था कि किस तरीके से जो कारक हैं जितने भी चिंतन और अभी अभिगम अधिगम के, वो हमने ऊपर कर लिए थे कवर। अब लेसन नंबर 3 में से अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ पर किस तरीके से ये सॉल्व करना है, तो चलिए चैप्टर को समझ लेते हैं। सबसे पहले बताया गया कि चिंतन और सोचना एक ऐसी प्रक्रिया है जो मौजूदा ज्ञान को मान्य करती है और व्यक्तियों को नया ज्ञान बनाने, विचारों का निर्माण करने और संबंध बनाने में सक्षम बनाती है। तो यहाँ पर देखो, चिंतन और जो सोचना है वो क्या है, एक ऐसी क्रिया है, ऐसी प्रक्रिया है जो क्या करती है कि जो मौजूदा ज्ञान है उसको मान्य करती है, यानी कि उसको वैलिड बताती है और व्यक्तियों को नया ज्ञान बनाने के लिए और विचारों का निर्माण करने और संबंध बनाने में सक्षम बनाती है, एबल बनाती है। ये धारणाओं और संभावनाओं की खोज की अनुभूति भी देती है और सीखना नई समझ, ज्ञान, व्यवहार, कौशल, मूल्य, दृष्टिकोण और वरीयताओं को भी प्राप्त करने की प्रक्रिया है। यह सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण है जो शिक्षार्थी की सोच प्रक्रिया को सक्षम बनाता है। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि यह सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण है जो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। व्यवहारवादी का मानना है कि सामाजिक वातावरण बच्चे के सीखने और सोचने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये तो हो गया आपका इस वाले लेसन का जो है इंट्रोडक्शन, छोटा सा, जो कि आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं कि जो हमारा ये जो लेसन है इसके अंदर से माता पिता और बचपन का विकास, इसमें क्या बोला गया है। जितने भी रिसर्चर्स हैं यानी कि शोधकर्ता हैं, उन्होंने पाया है कि शिक्षार्थी की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि उनके विकास पथ को आकार देने में एक आवश्यक भूमिका निभाती है। हम जानते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के कारण सभी संस्कृतियों के विकास में सांस्कृतिक कारकों की अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखो यहाँ पर जो जितने भी जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने क्या बोला है कि जो शिक्षार्थी है उसकी सामाजिक सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है ना, उनके विकास पथ को आकार देने में एक आवश्यक भूमिका निभाती है, क्योंकि समाज ही जो है एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जहाँ से जो है बालक अपना विकास करना सीखता है, चीज़ों के बारे में जानता है। और यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के कारण ही सभी संस्कृति के विकास में सांस्कृतिक कारकों की अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो बच्चों के व्यवहार और आदतों को सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अनुसार विकसित करते हैं। अब विकास में सीखने और सुधार का एक चक्र शामिल है। अगर हम विकास की बात करें तो इसमें किसी भी चीज़ को हम सीखते हैं और जो चीज़ हमने ऑलरेडी सीख रखी है अगर हमने वो गलत सीखे तो हम उसको सुधार करते हैं। तो ये सारे चक्र इसमें शामिल हैं और बच्चे ये महसूस कर सकते हैं कि अभिभावक, शिक्षक और परिजनों के समान अन्य लोग उनकी मदद करने के लिए कब मौजूद हैं। आमतौर पर अभिभावक वे होते हैं जो युवाओं को अधिक व्यापक समाज के साथ में संवाद करने के लिए तैयार करते हैं। अभिभावक का मतलब क्या है, यहाँ पे गार्जियंस की बात की जा रही है। तो गार्जियंस कौन है, यहाँ पर वो हैं जो युवाओं को अधिक व्यापक रूप से समाज के साथ में संवाद संचार करने के लिए जो है तैयार करते हैं। अब सीखने और सोचने की प्रक्रिया को समझना, तो देखिए यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट आएगा इस वाले लेसन का, तो सीखने और सोचने की प्रक्रिया को समझना, इसमें क्या बताया गया है। इसमें बोला गया है कि जो बच्चे हैं वो क्षमताओं को बढ़ावा देते हैं, कैसे डेवलपर्स एक घर का निर्माण करते हैं, वे स्थापना से शुरू करते हैं और उन्नति के विभिन्न चरणों में उस प्रतिष्ठान के आधार पर यह पता लगाया जाता है कि घर कैसा दिखता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाना है। यह वह प्रक्रिया है जो आसपास की गतिविधियों के साथ में विकसित होती है। बच्चे ठोस वस्तु से अमूर्त चीज़ों की ओर सोचने लगते हैं और हमें इस हम सरल से जटिल भी इसे कह सकते हैं। तो सीखने और सोचने की प्रक्रिया को समझाना यहाँ पर दिखाया गया है। और उसके बाद यहाँ पर दिखाया गया सीखना और भाषा। अब लर्निंग और लैंग्वेज का क्या कॉन्सेप्ट है वो भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। लर्निंग और लैंग्वेज, तो जो शोध है उससे पता चला है कि जो शिशु है वो ऐसे व्यवहार प्रदर्शित करते हैं जो मस्तिष्क के विकास के लिए आवश्यक है और प्रारंभिक लक्षण भी है। बच्चे स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि वह 2 साल की उम्र तक विचार और विश्व में उपस्थित पदार्थों के बीच में अंतर कर सकते हैं। 2 साल की उम्र तक क्या होता है कि जो बच्चा है वो धीरे धीरे स्पष्ट रूप से ये चीज़ें पता चल जाती है उसको कि विचार और विश्व के अंदर जो चीज़ें उपस्थित हैं, पदार्थ हैं, वो किस तरीके से वो अलग अलग हैं। इस उम्र में वह खुशी और दुख की भावनाओं को भी समझने लगते हैं। वह एक ही समय में अपनी दोनों इच्छा व्यक्त भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा किसी बच्चे को आपने मतलब जैसे गलती से वो गिर गया, वो रोने लगा, ठीक है, तो उसको दुख हुआ, वो रो रहा है, अचानक से आपने उसको एक ट्रॉफी दे दी तो वो दुख भूल जाएगा, एकदम ही वो खुश हो जाएगा। तो 2 से 7 वर्ष के बीच भाषा का जो निर्माण है वो शुरू हो जाता है। वह इस उम्र में अन्य चीज़ों से सीखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सीखना और भाषा है।
उसके बाद में आता सीखना और तर्क करना, यानी कि लॉजिक, ठीक है, लॉजिकली चीज़ों को समझना। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो लर्निंग के साथ में जो है लॉजिक लगाना भी बच्चा यहाँ पर सीख जाता है। अनिश्चित बदलते हुए और खुले वातावरण के अनुसार अनुकूल होने की क्षमता है। अब सॉरी, तर्क ऐसी स्थितियाँ हैं जिसमें निर्णय लेने भी शामिल होते हैं, जिसमें विभिन्न व्यवहारिक रणनीतियों की खोज, समायोजन और उपयोग करना शामिल है। हमें अपने दिमाग को उन मामलों में लागू करने की ज़रूरत है जहाँ पर जटिल निर्णय लेना शामिल है, ताकि हम तर्क सीख सकें। इसके लिए हमें बच्चों को उस चरण के लिए तैयार करने की आवश्यकता है जब उनका संज्ञानात्मक विकास शुरू होता है। बच्चे अवधारणा को जल्दी सीखते हैं जब वे स्वयं को संलग्न करते हैं या स्वयं उस अवधारणा को आत्मसात करते हैं। अधिक जटिल विचारों का पता लगाने और उन्हें समझने के लिए हमें प्रश्नों और प्रश्नों के माध्यम से बच्चों का मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है। बच्चे को क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रश्न करेंगे तभी वो उसके आंसर में कन्फ्यूज़ होंगे और उसके बाद में वो हमसे प्रश्न का उत्तर चाहेंगे कि हमें जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है वो हमें बता दी जाए। बच्चों को ऐसा वातावरण प्रदान करने की आवश्यकता है जहाँ पर वे लोगों के विभिन्न गतिविधियाँ करते हुए देख सकें। आमतौर पर बच्चे साइकिल चलाना सीखते हैं जब वे दूसरे बच्चे को देखते हैं। साइकिल चलाना एक जटिल कार्य है जिसमें एक समय में विशिष्ट कौशल शामिल होते हैं। यह कौशल है जिसके लिए हाथ, पैर, आँख की आवश्यकता होती है। वातावरण और अवसर मिलने पर बच्चे इन कौशलों को जल्दी सीख जाते हैं, अन्यथा वो बाद में अधिक समय लेते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि हम बच्चों को ऐसा वातावरण प्रदान करें जहाँ उनके तार्किक कौशल अधिकतम स्तर पर विकसित हो सके। जैसे अगर आपने देखा कि चार बच्चे साइकिल चला रहे हैं, तो अगर कोई बच्चा सीखना चाह रहा है ना, तो उसके सामने वो चार बच्चे जो हैं वो उनके सामने ही उसको सिखाने की कोशिश करेंगे, तो वो शायद जल्दी से उसको कैप्चर करेगा क्योंकि वो दूसरों को देख रहा है और उसको सीख रहा है। सामाजिक सांस्कृतिक कारक और विकास। अब सामाजिक सांस्कृतिक कारक की जो बच्चों के विकास को प्रभावित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है, और जिन बदलावों को साधारण माना जाता है वह अगले स्तर पर एक नए सामाजिक चरण का प्रारंभ होता है। बाल विकास का एक गतिशील, सहज और ज्ञान युक्त जो है यहाँ पर चक्र है। प्रत्येक बच्चा अपने सामान्य परिवेश के साथ में संवाद करने में उल्लेखनीय है, और वह दूसरों से क्या ग्रहण करते हैं और प्राप्त करते हैं उसमें वातावरण अतिरिक्त रूप से अपना योगदान देता है कि वे कैसे सोचते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक खुलापन इस बात को प्रभावित करता है कि बच्चे किस प्रकार अपना ख्याल रखते हैं या अपने दूसरों के साथ में संबंधों को रखते हैं। वह किस प्रकार अपने मानसिक अस्वस्थ तथा व्यक्तित्व के बारे में नजरिया रखते हैं। उदाहरण के लिए, पश्चिमी यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देशों में बच्चे आमतौर पर अपने दिलचस्प गुणों के आसपास खुद को चित्रित करेंगे, मैं स्मार्ट हूँ या मैं ड्राइंग में अच्छा हूँ। अब ऐसे ही यहाँ पर आगे हम देखते हैं इसके अंदर, तो देखो विभिन्न समाजों में माता पिता की जो बच्चों के आचरण और सोच डिजाइन में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आमतौर पर अभिभावक वे होते हैं जो बच्चों को अधिक व्यापक रूप से समाज से जोड़ने के लिए तैयार करते हैं। जैसे कि हमने ऊपर बात की थी कि बच्चे को, यानी कि जो युवाएं हैं उनको जो है समाज के साथ में संवाद करने का मौका देना, ठीक है। तो सामाजिक साथियों का दबाव भी बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को कई रूप में प्रभावित करता है कि समाज के अंदर। देखो हमने ये सब चीज़ें पहले ही लेसन नंबर 2 में कंप्लीट कर ली है अच्छी तरीके से। अगर आपने हमारी लेसन नंबर 2 की वीडियोज़ देखी हैं तो शायद आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो लेसन नंबर 3 को समझने के लिए आपका इसका जो बेस है वो आपका लेसन नंबर 2 में दिया गया है, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करा दिया गया था। उसके बाद में यहाँ पर बताया गया है, देखो जैसे मैंने आपको बोला कि सामाजिक साथियों का दबाव, आपके समाज में जो पीयर्स हैं यानी कि फ्रेंड्स हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है शिक्षार्थी के व्यवहार को समान रूप से प्रभावित करने में, जिसमें सीखना भी शामिल है। यदि शिक्षार्थी किन्हीं कारणों से कक्षाओं को छोड़ने के लिए प्रभावित होते हैं तो यह उनकी सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है। शिक्षार्थी की शैक्षिक पृष्ठभूमि का उनके सीखने क्षमताओं या तो सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। परिवारों के सदस्य उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, उनके उनके सीखने की गतिविधियों में आसानी होने की संभावना होती है। फिर भी एक गरीब शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले परिवार के लिए एक शिक्षार्थी को अपने सीखने की यात्रा में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, और चुनौतियों से निपटने के लिए उसे बहुत मदद की आवश्यकता भी होगी। छात्रों के अनुदेशात्मक नींव या फिर जोरदार ढंग से इसके प्रतिकूल उनके सीखने की क्षमता को प्रभावित करती है। उन परिवारों के छात्र जिस परिवार के सदस्य उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, उस परिवार के सदस्य को सीखने के अभ्यासों में सफलता सरलता होगी, क्योंकि वो पहले से ही ऑलरेडी वहाँ से एक्सपीरियंस ले लिया है और उन्होंने उस चीज़ को वो सामने तक पहुँचा देंगे। किसी भी मामले में एक गरीब शिक्षाप्रद नींव वाले परिवार के लिए एक छात्र को अपने सीखने के उद्गम के साथ साथ अन्य कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा, और समस्याओं को संभालने के लिए अधिक मदद की आवश्यकता होगी। पेशेवरों को सीखने के सिद्धांत के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण और भूमिका पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि सांस्कृतिक संपर्क और सहयोग गुणवत्ता का प्रभाव सीखने की क्षमता पर भी पड़ता है। वाई गोट्स के द्वारा जो है उसमें सीखना बताया गया यहाँ पर कि विभिन्न आंतरिक विकास की प्रक्रिया को प्रारंभ करता है, जो केवल तब कार्य करता है जब छात्र अपने आसपास के वातावरण में अपने साथियों के साथ बातचीत करता है। अब यानी कि सीखना विकास नहीं है, हालांकि पर्याप्त रूप से संगठित सीखने में मानसिक विकास होता है,
और विभिन्न विकास प्रक्रियाओं को गति प्रदान करता है जो सीखने के अलावा असंभव होगा। उसके बाद में यहाँ पर इसकी उपयोगिता बताई गई है कि भारतीय संदर्भ में इसकी उपयोगिता क्या है। भारत में परिवार एकल रूप में मौजूद नहीं है और परिवार की गतिशीलता को अक्सर सबसे अच्छे तरीके से उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में समझा जाता है। संस्कृति को परिवार के प्रकार, आकार और परिवार के कामकाज की सीमा, बातचीत के नियमों, संचार पैटर्न, स्वीकार्य प्रथाओं, अनुशासन और परिवार में पदानुक्रम को निर्धारित करके भारतीय परिवारों की संरचना को निर्धारित करने के लिए दिखाया गया है। संस्कृति तथा परिवारों पर एक भारी निष्क्रिय प्रभाव नहीं है, लेकिन परिवारों के लिए खुद को अपने सदस्यों को इन सांस्कृतिक मूल्यों को स्थानांतरित करने के लिए प्राथमिक एजेंट के रूप में काम करना पड़ता है। माता पिता बच्चों को गुप्त और प्रत्यक्ष दोनों माध्यमों से संस्कृति को सिखाने, आंतरिक बनाने और समझने में मदद करते हैं। वहीं एशियाई परिवार, विशेषकर भारतीय परिवार पर समष्टिवाद का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सामूहिकता वह गुण है, समष्टिवाद का मतलब है संपूर्ण, यानी कि आपने जो इकोनॉमिक्स देखी होगी व्यष्टि और समष्टि, व्यष्टि यानी कि व्यक्तिगत तौर पर, समष्टिवाद का मतलब क्या है, संपूर्ण समाज के तौर पर। तो सामूहिक तौर पर वह गुण के जो विद्वानों, वित्तीय और सामाजिक दृष्टिकोण को दर्शाता है तथा जो व्यक्तियों के बीच में संबंधों को रेखांकित करता है। यह लोगों की सभाओं के भीतर संघ के लिए आवश्यक सामाजिक घटक भी माना जाता है। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन ने जीवन के पूरे तरीके, संबंधों की संरचना, सत्ता संरचना और भारतीय परिवार के संरचना और उसके स्वरूप को प्रभावित भी किया है। परिवर्तन जिसमें शहरीकरण के मुद्दों के बाद साथ साथ संयुक्त परिवार इकाई में बदलाव, महिलाओं के विस्तारित कार्य के साथ नौकरी स्थिति और बल में भी परिवर्तन, छोटी उम्र के बीच क्षणिक विकास और वृद्धों के अनुभवों को भी शामिल किया गया है। बड़े परिवार के बच्चों में एकल परिवार के बच्चों की तुलना में खाने और सोने के विकार, आक्रामकता, असामाजिक व्यवहार और अपराध जैसी व्यवहारिक संबंधित समस्याओं की रिपोर्ट काफी कम की है। उसके बाद में आपका यहाँ पे लास्ट पॉइंट है कि महिलाओं के उत्पीड़न और परिवार की संपत्ति में महिलाओं की निम्न हिस्सेदारी है, यानी कि बहुत कम हिस्सेदारी बताई गई है। आधुनिक भारतीय परिवारों की पुरानी जो परेशानी रही है, इसमें अब काफ़ी तेजी से परिवर्तन हो रहा है। भारतीय परिवार पारिवारिक सहमति और वृद्धों के प्रति कर्तव्य पारायणता की परंपरा को बनाए रखते हैं। कई बार इससे बच्चों की इच्छाएँ भी शामिल होती हैं। ऊपरी तौर पर ये शांत तो दिखता है, परंतु इसमें आक्रोश भी पनपता है, जो कई पारंपरिक मानसिक समस्याओं का भी लक्षण है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो हमने लेसन नंबर 2 पढ़ा था, सो सेम लेसन नंबर 2 से बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर जो है लेसन नंबर 3 में थी, और मैंने जो आपको एक ही वीडियो के अंदर पूरा लेसन जो है डिस्क्राइब कर दिया है कि बस आपको इसकी हल्की सी नॉलेज होनी चाहिए, जब आपके सामने इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको अटैम्प्ट कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।